नमस्ते, आप सबका मेरी किचन में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया की बर्फी। उसके लिए हमने 1 केजी घिया लिया है, बड़ा घिया है और अच्छा थोड़ा ग्रीन उसमें ताजा लेना है। और 1.5 कप चीनी लिए, मानो तो 300 ग्राम चीनी है। और 250 ग्राम मावा, 8 या 10 बादाम, 6 या 7 इलायची, 1/4 कप घी, इन सब चीजों को हम रखेंगे। और सबसे पहले हम अपना जो लौकी ली है, इस लौकी को 3 हिस्सों में काटेंगे, छील करके इसको काटेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका छीलना। इस तरीके से हमको सारा इसको छीलना है, सारे को छीलना है। एकदम कच्ची होनी चाहिए, ताजा एकदम। इसको आगे से निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे पीछे से, इसका भी इसे ही निकालेंगे। इस टाइप से हम इसको पूरे को छील लेंगे। इसके थोड़े बड़े बड़े कट करेंगे, जिससे हम उनको घिया कस में घिस सकें। इसमें से दोनों बीच में से इसको इस टाइप से काटेंगे, इस टाइप से काटेंगे। और इसमें जो बीज है ना, इनको इस टाइप से इनको निकालेंगे। सारे बीज निकाल देंगे। इस टाइप से सारे बीज निकाल देंगे। और जी देखिए, इस टाइप से हमने जो बीज निकाले हैं, अब इसको हम कद्दूकस में कस लेंगे। इस टाइप से आपके पास में जैसा भी कद्दूकस हो उसमें कस लेना। इस टाइप से इनको कसते हैं। देखिए, इसको हमने कद्दूकस में कस लिया है। अब इसका हमको पूरी तरीके से इसका पानी निकालना है। हाथों से निचोड़ेंगे इसको, इस टाइप से यू लेंगे हाथों में और वो इसका सारा पानी कस के थोड़ा सा निकाल देंगे इसका। Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to... इस टाइप से टाइट टाइट हाथों से थोड़ा इसको सारा जूस निकाल लेंगे इसका। हमने देखो इस पानी को निकाल दिया है लौकी में से, और हम इसमें इनको डाल दें। Feel uninvited.
घी लिया था ना, उसमें से दो चम्मच इसमें घी डाल देंगे। इसको चलाएंगे। इसको ये पकने लगेगा, अभी तो हम चलाएंगे इसको, थोड़ा पकने लगेगा जब तक हम कुछ बादाम काट लेते हैं। सात आठ मिनट इसको हमने चला दिया और ये घिया पकने लग गई है, बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। और इसको हर दो मिनट में, तीन मिनट में हमने बराबर से चलाया है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो घिया का नीचे से जलने का डर रहेगा, कढ़ाई में लग सकता है और ये खराब भी हो सकता है। इसलिए इसको हर दो मिनट में हमने इसको चलाया है। अब हमारा ये घिया पूरी तरीके से, सात आठ मिनट हमने इसको पकाया, अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तीन सौ ग्राम चीनी है, एक किलो में 300 ग्राम चीनी है और हम इसको अब बराबर चलाते जाएंगे। इस टाइप से इसको चलाते जाएंगे। अब ये चीनी पकेगी, चीनी इसके साथ में जितना भी है और पक जाएगा और ये अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन इसको चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि कढ़ाई में लग सकता है, इसलिए हर दो मिनट में, एक मिनट में इसको चलाना पड़ेगा। आपको ज्यादा तेज नहीं करना है गैस का, थोड़ा धीमी। सूखने लगी है, देखिए हम बराबर इसको चलाते रहेंगे क्योंकि कहीं लग ना जाए नीचे कढ़ाई में, जिससे खराब हो जाए। बराबर चलाते रहेंगे इसको। अब देखिए ये पकने की उसमें आ गया है और इसका पूरा चीनी का रस जो पूरा सूख चुका है देख ले। और अब हम इसमें मावा डालेंगे। ये 1.5 किलो दूध में 300 ग्राम के करीब बन चुका है। जी पोहे की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये बादाम है और हम काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। एक चम्मच मैंने इसमें थोड़ा घी डाला है और थाली को भी ग्रीस कर लिया है घी से, तो दूसरे के खोबे को कितना अच्छा बना है। और हम इस खोबे को इसमें डाल देंगे। चलाते जाएंगे इसको मिला देंगे। इलायची भी डाल देंगे। ये काजू, सॉरी बादाम है, ये बादाम डाल देंगे।
हमने इसमें कलर नहीं डाला है। वैसे इसमें अपन जो फ्रूट कलर आता है, एक तो लिक्विड वाला आता है और एक पाउडर वाला आता है, ग्रीन कलर आता है इसमें। अगर ग्रीन कलर पाउडर वाला करना है तो एक पिंच डालें, और अगर लिक्विड वाला दो तीन ड्रॉप डाल दें तो इसमें अच्छा कलर आ जाता है। लेकिन हम उसको स्किप कर रहे हैं, करते हैं उसको। उससे थोड़ा सा घिया का कलर ग्रीन ग्रीन हो जाता है और अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको डाल नहीं रहे हैं। अब ये जमने की उसमें आ गया है। अब हम इसको बस थोड़ा सा चला करके अब इसको हम जमाएंगे, थाली में लेंगे। देखिए कढ़ाई को छोड़ने लग गया है, और जब कढ़ाई को छोड़ने लग जाता है तो समझो कि अब ये जम जाएगा। अब ये बिल्कुल जमने की उसमें हो गया। देखो इसमें बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है, और बिल्कुल आप देख सकते हो। और थाली में गैस को बंद कर देती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अभी जब ये जम जाएगा जब हम आपको दिखाएंगे। देखिए अब ये ठंडा हो चुका है, और हम इसको नाइफ के द्वारा काटेंगे। कर सकते हैं, चौकोर भी काट सकते हैं, और भी कोई डिजाइन डाल करके भी काट सकते हैं। मैंने तो इस टाइप से काटी है, आप जैसी भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। देखिए थैंक्स, ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें, और मैं आगे भी ऐसे ही रेसिपी डालती रहूंगी, और आप ये देखते रहिए। थैंक यू।